नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने सिंचाई विभाग की बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा की, साथ ही पूर्व की समीक्षा बैठक पर फीडबैक भी लिया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री सचिव प्रमुख सचिव मौके पर मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए और कहा कि प्राकृतिक खेती के अनाज की ब्रांडिंग होगी। बता दें कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 225 परियोजनाओं में से 216 पर कार्य शुरू हो चुका है। इसमें 9 ड्रेजिंग की परियोजनाएं हैं। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग में अभी शिक्षा विभाग के ये तय हुआ है कि जो 3 विश्वविद्यालय हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में और सहारनपुर में, उन तीनों की भौतिक स्थिति क्या है, उनके भवनों का निर्माण में क्या प्रगति है, अपेक्षित हुई है कि नहीं, उसकी सबकी समीक्षा हुई है और उसमें तेज गति लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर रानिका सिटी के पास एक निजी बैंक पहुंचे और विधायक का आरोप है कि प्रधानमंत्री योजना की ओर से गरीबों को 10,000 रुपए को लोन दिया जा रहा है, लेकिन निजी बैंक में उनके कागजात पहुंचते ही खारिज कर दिए जाते हैं और बैंक में जमा 191 फॉर्म में से ही सिर्फ एक फॉर्म को स्वीकार किया गया, वो भी 2,000 रुपए ले लिया गया। जो गरीब लोग हैं, जो कोरोना में जिनका नुकसान बहुत हुआ है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए कहीं ना कहीं उधार भी लिया होगा, उसका कर्ज हुआ है, तो बिना किसी ब्याज के गरीबों को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। उस लोन के तहत जो फॉर्म भरवाए गए उसमें 191 फॉर्म HDFC बैंक के पोर्टल पर दर्ज हुए, उनमें से केवल एक लोन किया है। लोग अपनी दाढ़ी छोड़ करके, छुट्टी करके, उसके बाद बैंक में फॉर्म भरने आते हैं, रजिस्ट्रेशन का चार्ज देते हैं, कई चक्कर लगाते हैं, उनका 1,000 रुपये खर्च हो जाता है, उसके बाद 2,000 रिश्वत के लेकर के केवल एक को लोन दिया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने जाके पूछा, कोई जवाब नहीं था, 190 को निरस्त कर दिया गया है। तो इस तरह के बैंक बर्दाश्त नहीं किया जा सकते लोनी में, जो गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांधी पार्क थाना क्षेत्र में बीते एक साल पहले पुलिस महकमे में तैनात एक सिपाही का होटल में शव मिला था, जिसे एक साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर नाराज परिजनों ने SSC दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं, जिसमें लिखा है, उसकी हत्या का खुलासा करो, हत्यारों को फांसी की सजा दिलाओ। दिया गया था आपको 50 लाख से अधिक पैसा मिलेगा और जो गुनेगार रहे उन्हें मतवल सजा मिलेगी, हमें ये आश्वासन दिया गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल है सर, होटल वाले को उठावा लिया जाए और इंस्पेक्टर हरवान सिंह को भी पकड़ लिया जाए और मोहन लाल दरोगाएं जो रोडवेज पुलिस चौकी पे हैं, इन्हें के संज्ञान में सारी चीज़ें, किसी और के ये मतलब मन सकते हैं, न तो हमें CDR दी गई, न कुछ दिया गया, इनका सारा प्रूफ दबका रखा है इन्होंने। बिजनौर गन्ना समिति में भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और किसानों के जिले प्रशासन को ज्ञापन सौंप पर निस्तारण की मांग की और धरना दे रहे किसानों ने कहा कि MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए और किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों को उनके गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर कराया जाए। अगर हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो बागियों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गन्ना समिति में जो पंचायत रखी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए और जो किसानों की समस्याएं, आवारा पशुओं की समस्या है और जो गेहूं के खरीद केंद्र हैं, वो खरीद केंद्र हर साल प्रतिवर्ष कम कर दिए जाते हैं। गेहूं बढ़ रहा, सरकार दावे कर रही है कि हम पूरी की पूरी गेहूं की खरीद करते हैं, वो क्रय केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बिजली विभाग की समस्या है, बिजली रात में आ नहीं रही और किसान परेशान है, जर्जर लोहे के तार लटक रहे हैं और किसानों पर मुकदमे और उसकी धमकी दी जा रही है। तो ये सारी समस्या, इन समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ वार्ता होगी और वार्ता में अगर समाधान नहीं होता जल्दी किसी बड़े आंदोलन की घोषणा। खबर रामपुर से है, जहां देर रात खजुरिया पुलिस को एरो तिराहे पर चेकिंग करने के दौरान मुखबिर की सूचना दी कि कनकपुर के जंगलों की तरफ से 3 बदमाश गाय के बछड़े को काटने के लिए जंगल ले जा रहे हैं। पुलिस फोर थाना अध्यक्ष के साथ कनकपुर के जंगल पहुंचे तो अभियुक्तों ने अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग करने पर एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। बता दें कि अभियुक्तों के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद हुए।
आज रात 11 बजे के आसपास थानाध्यक्ष खजूरिया विनय कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि कनकपुर के जंगल में गोवंश की हत्या की जाएगी। इस सूचना में विश्वास करके थानाध्यक्ष खजूरिया ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र की घेराबंदी की। उन्होंने देखा कि एक बछड़े को बांध रखा है और 3 अपराधी वहाँ मौके पर हैं। ये अपराधी ये दुष्टता करने वाले थे, उन्हें ललकारा गया, लेकिन ये इतने दुस्साहसी थे कि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक अपराधी मौके पर घायल हो गया और 2 भागने में सफल हो गए। खबर औरैया से है, जहां डीजीएम सत्यवीर ने सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक से टोल प्लाजा पर स्पीड मोटर लगवाने के लिए आग्रह किया, जिससे काफी हद तक स्पीड कंट्रोल में रहेगी और लोग सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे। वहीं जिले के अनंतराम टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रक ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें ड्राइवरों की आंखों की जाँच कराई गई, जिससे उन्हें गाड़ी चलाने में किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना न करना पड़े। तरीके से तापमान हमारे अभी वातावरण में जैसा बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा जब तक गर्मी चलेगी। पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा साफ पानी पीते रहें। इसके अलावा जो फल है और जूस है, ये सब चीज़ों का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही आवश्यक हो, अपने आवश्यक काम हो, नौकरी पे जाना हो, धूप में तभी जो है वो बाहर निकले, और हमेशा पानी अपने साथ में रखें। बाहर का खाना कम से कम खाएं, और जैसा कि अभी धीरे धीरे कोविड भी पैर पसार रहा है, तो मास्क का भी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित करते रहें। आज ये हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में ये आज समापन है 24 तारीख को, इसका जो 18 तारीख को शुरू हुआ था। यहाँ पर हम रोड अवेयरनेस के लिए ये कैंप, आँखों की जांच, जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर हैं उनकी आँखों की जांच और मेडिकल स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है, जिसके कारण से कम एक्सीडेंट हो, रोड के ऊपर हम सेफ्टी से चलें, यही हम उनको दिशा निर्देश या सलाह दे रहे हैं कि आप। बांदा के जमालपुर इलाके में एक लड़के के तालाब में डूबने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाने की कोशिश की। फिलहाल शव को तालाब से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। का जो है यहां नहाने आया था तालाब में, तो नहाते हुए डूब गया है। इसका बच्चे का नाम छोटू है, महुआ ग्राम का रहने वाला है, यहाँ अपने ननिहाल में आए थे। ये महुआ ग्राम का लड़ने वाला छोटू नाम का 19-20 वर्षीय युवक तालाब में नहाने के लिए उतरा था, जिसकी डूबने से मृत हो गई है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि एक माह पूर्व यहाँ छोटू अपने ननियाल में आया हुआ था। इसकी फायर सर्विस के लोगों द्वारा कांटा डाल करके तलाश की गई, जिसके उपरांत शव को बाहर निकाला गया, पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। गोरखपुर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए एसएसबी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 4 अप्रैल को हुई लूट में एसएसबी जवान भी शामिल था, और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि एसएसबी जवान एक महीने की छुट्टी पर आया हुआ था और बस 10 दिन की छुट्टी बची हुई थी, इसी बीच इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी। 30 अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपये लूटा गया था। उसी में शामिल 2 लुटेरे जो कल रामगढ़ ताल में पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन, जो थाना चिलुआ ताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल।
खबर रायबरेली से है, जहां खीरो के पाहो रोड पर स्थित अवैध हॉस्पिटल को सीएससी अधीक्षक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने एसएचओ आदर्श सिंह के साथ पहुंचकर अवैध हॉस्पिटल को सील कर दिया और अवैध हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ खीरो पुलिस को तहरीर दी। बता दें, मरीज को एक्सपायरी डेट की दवाइयां देने के मामले में शिकायत हुई थी। वहीं मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मामले में की कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी दिनों से क्षेत्र में आरोही हॉस्पिटल के विरुद्ध शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में भी दो बार इनको सूचना दी जा चुकी थी और आज कुछ अधिकारियों के निर्देश पर जब मैं यहाँ पे आया तो किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई भी ट्रेन स्टाफ नहीं है और जिन डॉक्टर्स के इन्होंने लगा रखी है उन पर मौजूद नहीं है। कुछ अधिकारियों के निर्देश में आज मैंने इनका हॉस्पिटल सील किया है ताकि क्षेत्र की जनता को निःशुल्क इलाज, अच्छा इलाज, सरकारी इलाज। बलरामपुर के उतरौला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोरों का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास चोरी के ट्रांसफार्मर समेत एक वाहन, एक अवैध तमंचा बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात्रि गश्त के दौरान करीब 1:30 बजे हमारे उप निरीक्षक थाना क्षेत्र थाना उतरौला के विपुल कुमार पांडे रात्रि गश्त में थे और उस दौरान जो है पिपरा राम गांव की तरफ से इनको एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें ये ट्रांसफार्मर लदा हुआ था और साथ ही ये लोग, दो लोग उसमें थे गाड़ी में। इनसे इनको जब थाने पे ले जाके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी करके ट्रांसफार्मर को ले जा रहे थे और इस पूरे उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से ट्रांसफार्मर, पिकअप गाड़ी और लोहे के एंगल वगैरह बरामद हुए हैं। कल रात्रि यूपी के कारागार मंत्री ने अलीगढ़ का दौरा किया और कहा कि जेलों में कैदियों के साथ आत्मीय व्यवहार किया जाएगा। इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि 5 वर्षों में होमगार्ड विभाग और कारागार में सुधार है, साथ ही कोशिश है कि इन्हें और बेहतर बनाया जाए। पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत कुछ सुधार जेलों में भी हुआ है, हमारे होमगार्ड में भी हुआ है और भी हम प्रयास करेंगे और उसे बहुत बेहतर करें, आगे करें। मेरा अपना मानना है, हमने निर्देशित भी किया है सभी जिलों में कि कैदियों के साथ भी एक आत्मीय व्यवहार हो, उनको ये महसूस न हो कि हम 4 दीवारी के अंदर कैद हैं। पिछले 5 साल में अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।